Realme C51 Realme का नया बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन आज फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है। आज की इस वीडियो में हम इस फ़ोन की प्रॉब्लम्स एंड प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे एंड इन सिंपल वे यह एक रिव्यू होगा इस फ़ोन का कि क्या आपको फ़ोन परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सारे की सारी जानकारी आपको इस फ़ोन के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ़ोन सिंगल एक वेरिएंट में इंडिया में लॉन्च किया है। यहाँ पर 4GB रैम है प्लस 64GB स्टोरेज है। 9000 के प्राइस टैग के साथ में आता है। ब्लैक एंड मिंट ग्रीन दो कलर ऑप्शन में आपको मिल जाता है। प्लास्टिक की बॉडी है फ़ोन में एंड डिज़ाइन आपको ओवरऑल अच्छा मिल जाएगा एंड फ्लिपकार्ट से आप इसे परचेज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की। तो फ़ोन में 6.74 इंचेस की एक HD+ की IPS डिस्प्ले हमको मिल जाती है। तो डिस्प्ले बड़ी है और अच्छी है, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाएगी एंड 1600x720 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। और डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। तो डिस्प्ले प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी और 180 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट है, तो जो टच रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। और डिस्प्ले के टॉप पर हमको एक यू शेप का नॉच मिल जाता है, तो डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हमको यूनिसॉक का टाइगर T612 मिलता है। यह 12 nm पर बेस्ड चिपसेट है। 1.8 GHz तक यहाँ पर क्लॉक स्पीड है एंड कॉर्टेक्स A75 के यहाँ पे कोर्स हैं। और मालिका G57 यहाँ पर हमको GPU मिल जाता है। तो प्रोसेसर भी यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाएगा। इसके एंटूतु के स्कोर आपको 1.5 लाख से 2 लाख के बीच के मिल जाएंगे जो कि प्राइसिंग के हिसाब से अच्छे हैं। सो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर सॉफ्टवेयर की तो एंड्रॉयड 30 हमको यहाँ पर मिल जाता है जो कि रियलमी UI T एडिशन के साथ में आता है जो कि बजट कैटेगरी के फ़ोन के लिए होता है। तो सॉफ्टवेयर में भी आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, बस थोड़े बहुत आपको ब्रॉडवेज मिल जाएंगे, उन्हें आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए कैमरा की तो फ़ोन में ड्यूल कैमरे का सेटअप है। रियर में 50MP का प्राइमरी कैमरा है F1.8 के अपर्चर के साथ में। यहाँ पर आप रियर कैमरे में 1080p में 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो मैक्सिमम। और सेकेंडरी कैमरा भी है जो कि एक डेप्थ सेंसर है, तो दो कैमरे आपको रियर साइड में मिल जाएंगे। सेल्फी की बात की जाए तो सेल्फी में 5MP का सेल्फी कैमरा है जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है एंड सेल्फी कैमरे से आप यहाँ पे 720 यानी कि HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर। तो कैमरा भी यहाँ पर आपको प्राइसिंग के हिसाब से अच्छे मिल जाएंगे। बैटरी की अगर बात की जाए तो फ़ोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी है एंड सबसे खास चीज़ 33W की फास्ट चार्जिंग का यहाँ पर सपोर्ट है। एंड मैं जानता हूँ इस प्राइस में हमको किसी भी फ़ोन में 33W की फास्ट चार्जिंग मिलती नहीं है, दो यहाँ पर आपको दी गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज है, तो इसके हिसाब से भी फ़ोन अच्छा है। इसके अलावा फ़ोन में 3.5mm का हेडफोन जैक है, टाइप सी पोर्ट है और सिक्योरिटी के लिए आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों की सुविधा आपको मिल जाएगी। फ़ोन में कार्ड स्लॉट की बात की जाए तो डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट दिया गया है। यहाँ पर आप एक ही टाइम पर 2 nano SIM और 1 microSD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। फ़ोन की थिकनेस और वेट की बात की जाए तो फ़ोन की थिकनेस 7.99mm की है यानी कि 8mm की और वेट 186 ग्राम का है। तो फ़ोन आपको थिन मिल जाएगा एंड इसी के साथ में लाइट वेट भी है, मतलब कॉम्पैक्ट भी है, ज़्यादा भारी नहीं है फ़ोन, तो आपको हाथ में पकड़ने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतनी सारी स्पेसिफिकेशन फ़ोन की। ओवरऑल फ़ोन को देखने आए तो फ़ोन काफ़ी अच्छा पैकेज है 9000 में। तो अगर आप 10000 के अंदर कोई अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, डेफिनेटली आप इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। आपकी क्या थॉट्स हैं फोन को लेकर मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तो आपसे कौन है वीडियो में, तब तक के लिए बाय।